गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, मेरा नाम है मुद्दसर। मैं हूं मुबशीर। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो बाइक लवर्स, ये आपके लिए वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 15 मोस्ट अवेटेड अपकमिंग बाइक्स इन इंडिया 2021। श्योरली अपकमिंग जो आ रहे हैं 15 बाइक्स जिसके लिए पूरी इंडियन बाइक लवर्स वेट कर रहे हैं और बहुत ही तड़प कर वेट कर रहे होंगे शायद, क्योंकि जो बाइक लवर्स होते हैं अपना फेवरेट बाइक के लिए काफी वेट करते हैं और हम भी उनमें से ऐसे एक हैं क्योंकि हम भी एक बाइक के लिए वेट कर रहे हैं। तो गाइस आज सीधा आते हैं रैश गियर का वीडियो। ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो टॉप 15 मोस्ट अवेटेड बाइक्स देखते हैं कौन से हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में लाजमी कि आप कौन से बाइक के लिए वेट कर रहे हैं। इनमें से हुआ तो इनमें बताएं, नहीं तो आप कोई अपना वो सजेशन दे सकते हैं। तो काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। हे गाइस वेलकम टू दी रैश गियर। स्वागत है आपका रैश गियर के इससे कौन नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि आपको 2021 में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। ब्रांड वाइज हम लोग बात करेंगे कि कौन से ब्रांड की कौन सी बाइक आपको देखने मिलने वाली है। इन बाइक्स की लॉन्च डेट और प्राइस, इन्हीं दो फैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर इन बाइक्स की आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ब्रांड की बात करें तो ये है होंडा का। जो हमें पहली बाइक देखने मिल सकती है वो है हॉर्नेट 2.0 एडवेंचर। रिसेंटली होंडा वालों ने हॉर्नेट 2.0 को लॉन्च किया था, उसका आपको एक एडवेंचर वर्जन भी जल्दी इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाला है। इस बाइक के जो लुक्स है वो आपको कम्प्लीटली एक एडवेंचर बाइक की तरह देखने मिलेंगे, जिसमें आपको जो सस्पेंशन है वो भी चेंजेस हुए दिखेंगे। इस बाइक में जो टायर साइज है वो भी आपको ज्यादा देखने मिलने वाली है और जो फ्रंट का लुक होगा उसमें भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिलेंगे। अगर प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है सितंबर 2021 में। अच्छा, ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, बताया जा रहा है 1,40,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ ये बाइक हमें ऑफिशियली लॉन्च होती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये CBR 150R। इस बाइक के दो भी रिसेंटली ही इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है, जिसमें वो इनकी CBR 250R आती है। उस तरह के डिजाइन इस बाइक को दिए गए हैं और इस बाइक को भी CBR 250R की तरह ही बनाने की पूरी कोशिश की गई है लुक्स के मामले में। और बताया जा रहा है ये बाइक भी हमें जल्दी इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। इस बाइक के अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अक्टूबर 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में तो 1,60,000 इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस बताई जा रही है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करें तो ये है टीवीएस। टीवीएस में पहली बाइक देखने मिलती है वो है रेट्रॉन। ये फर्स्ट टाइम के साथ ये बाइक हमें देखने मिलने वाली है। इससे पहले आपने टीवीएस की किसी भी बाइक्स में इस तरह के डिजाइन नहीं देखे, मैंने नहीं देखा। एक अलग ही लुक्स के साथ ये आएगी। क्रूजर में इंजन बताया जा रहा है वो करीबन बताया जा रहा है 160cc इंजन के साथ हमें ये बाइक देखने मिलेगी। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है सितंबर 2021 में। इस बाइक की जो प्राइस निकल के आ रही है वो है 1 लाख से लेकर 1.2 लाख तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई जा रही है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये है Fuero 125। जी हां गाइस, टीवीएस की बहुत पहले Fuero 125 हमें देखने मिलती थी, लेकिन उसी बाइक्स को एक नए चेंजेस नए फीचर्स के साथ फिर से टीवीएस वाले लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। इस बाइक की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है अगस्त 2021 में ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में तो 80,000 से लेकर 90,000 तक इसकी एक शोरूम प्राइस बताई जा रही है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करें तो ये है हीरो। हीरो की तरफ से जो हमें फर्स्ट बाइक बताई जा रही है वो है इनकी XF3R। इस बाइक का नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये इसका कोड नेम है जो कि ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था। ये एक नेकेड स्पोर्ट बाइक होने वाली है हीरो की तरफ से, जिसमें एक काफी अग्रेसिव लुक आपको देखने मिलेगा। इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो मई 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में 1,95,000 एक्स बाइक हमें लॉन्च होती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें ये हीरो की तरफ से आने वाली एक एडवेंचर बाइक, जिसमें आपको 450cc वाला इंजन देखने मिलने वाला है। हमें एक एडवेंचर बाइक हीरो की तरफ से जल्दी इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। जी हां गाइस, ये न्यूज अभी निकल के आ रही है रिसेंटली ही कि 450cc इंजन में भी कदम रखने जा रहे हैं, वो भी एक एडवेंचर बाइक के साथ। और इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है नवंबर 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में तो 2,30,000 से लेकर 2,50,000 तक इसकी प्राइस बताई जा रही है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करें तो ये है बजाज।
बजाज। बजाज की तरफ से जो हमें पहली बाइक देखने को मिल सकती है वो है इनकी पल्सर RS 400। इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें, जुलाई 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली फाइनली लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और प्राइस के बारे में तो 2,10,000 से लेकर 2,20,000 तक इसकी शोरूम प्राइस बताई जा रही है। काफी टाइम हो गया है और गाइस सभी यूट्यूबर्स भी थक चुके हैं इस बाइक पर, लेकिन ये बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है 2021 में तो ये बाइक फाइनली लॉन्च हो ही जाएगी। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये भी एक इनकी मोस्ट अवेटेड बाइक है जो कि एवेंजर 400 के साथ देखने मिलने वाली है। ये न्यूज बहुत पहले ही आ चुकी थी कि एवेंजर आपको 400cc इंजन के साथ देखने मिलेगी, लेकिन इस बाइक का भी कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है ये बाइक भी हमें इसी साल 2021 में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। इस बाइक के बारे में बात करें, अगस्त 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई जा रही है 2,00,000 से लेकर 2,10,000 देखने मिल सकती है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करें, यह है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो हमें पहली बाइक देखने मिल सकती है वो है न्यू जनरेशन ऑफ क्लासिक 350। जी हां गाइस, इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है इंडियन रोड्स पे और ये बाइक भी हमें जल्दी इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। इस बाइक में भी काफी सारे नए चेंजेस किए गए हैं रॉयल एनफील्ड के तरफ से। और इस बाइक के अगर लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें, तो अप्रैल 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, 1,80,000 तक बताया जा रही है इसकी प्राइस हमें देखने मिल सकती है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आने वाली 350। ये भी एक रेट्रो लुकिंग के साथ आने वाली बाइक है जो कि 350। और इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें, तो इस बाइक की लॉन्च डेट बताई जा रही है अगस्त 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो 1,70,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ इस बाइक की लॉन्च बताई जा रही है। बात करें नेक्स्ट ब्रांड के बारे में, तो ये है यमा की तरफ से जो हमें पहली बाइक देखने मिल सकती है वो है MT03। ये एक फुली नेकेड स्पोर्ट बाइक है, लुक के साथ आपको देखने मिलती है। इनकी MT05 ऑलरेडी हमें देखने मिलती है, उसी तरह के डिजाइन के साथ हमें MT03 भी देखने मिलेगी जो कि थोड़ी और भी ज्यादा बल्की लुकिंग के साथ आती है, जिसमें और भी ज्यादा पावर और भी ज्यादा फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। इस बाइक के अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें, अप्रैल 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो इस बाइक की जो प्राइस बताई जा रही है वो है 3 लाख प्राइस के साथ ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये है XSR 155। इस बाइक का भी काफी टाइम से इंडिया में वेट किया जा रहा है। ऑलरेडी ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में हमें देखने मिलती है, बांग्लादेश और बाकी सभी कंट्रियों में ये बाइक ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इंडिया में ये बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है इसी साल 2021 में ये बाइक भी हमें फाइनली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो जून 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो 1,50,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ ये बाइक हमें लॉन्च होती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करें तो ये है सुजुकी। सुजुकी की तरफ से जो हमें पहली बाइक देखने मिल सकती है वो है इंट्रूडर 250। जी हां गाइस, इंट्रूडर 150 ऑलरेडी हमें देखने मिलती थी, लेकिन उस बाइक ने कुछ खास कमाल नहीं किया इंडियन मार्केट में। और सुजुकी वाले भी यार कहां हार मानने वाले थे, और वो लोग जल्दी इंट्रूडर 250cc इंजन के साथ लाने वाले हैं। लॉन्च डेट के बारे में क्रूजर है, तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है जुलाई 2021 में ये बाइक हमें इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, 1,90,000 एक्स शोरूम। अब बात करते हैं ब्रांड के बारे में, तो ये है KTM। KTM की तरफ से जो हमें बाइक देखने मिलने वाली है वो पहली है नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स हो गए और फीचर्स को लेकर काफी सारे नए चेंजेस किए जाएंगे KTM के तरफ से। इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो मार्च 2021 में बताया जा रहा है ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। ज्यादा मारते हैं इस वजह से शायद। प्राइस के बारे में 2,70,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च होती हुई दिखने वाली है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करें तो ये है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ड्यूक 390। और ड्यूक 390 का आपको नेक्स्ट जनरेशन जल्दी इंडिया में देखने मिलने वाला है। इस बाइक में भी आपको काफी सारे नए चेंजेस देखने मिलने वाले हैं, चाहे बात करो कॉस्मेटिक की, ग्राफिक्स की या नए फीचर्स की, सभी में चेंजेस किए जाने वाले हैं। बात करें इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है अगस्त 2021 में ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के प्राइस के बारे में, 2,70,000
70,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ ये बाइक हमें लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। तो गाइस ये थी वो सभी बाइक्स जो आपको 2021 में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। इनमें से और भी गाइस काफी सारी बाइक्स है जो आपको 2021 में देखने मिलेगी, उनकी एक और वीडियो में आप इसी के साथ ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये गाइस बाइक्स थी जो आपको दिखेंगी और आप लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना आप इनमें से किसका वेट कर रहे हो। अब आते हैं इस पे, तो भाई एक से एक बाइक आ रहा है। टीवीएस पे मैं काफी शौक हूँ क्योंकि वो इस सेगमेंट की बाइक क्रूजर टाइप निकालता ही है, लेकिन टीवीएस भी इस खेल में शामिल हो गया भाई। क्या कंपटीशन का दौर है, वो कैसे पीछे रह सकता है। बजाज भी क्रूजर ला रहा है, अवेंजर और रॉयल एनफील्ड के तो भाई क्रूजर बुलेट्स होते हैं। रॉयल एनफील्ड का तो मतलब वो कमाल ही कमाल है, सही बात है, कमाल है। अब रॉयल एनफील्ड को चाहिए था कि एक स्पोर्ट बाइक और जिस दिन रॉयल एनफील्ड की स्पोर्ट्स बाइक आई वो लेनी है, कर रहा था वो लेनी है। और दूसरी बात भाई सुजुकी होंडा होंडा की सीबीआर मुझे काफी अच्छी लगी। बजाज की मुझे वो जो 400 सीसी वाली येलो बाइक थी, क्या सेक्सी बाइक थी यार, कमाल की थी वो। दूसरे ये यार के मतलब एक से बढ़कर एक इनकी लुक देखो तो हाँ। इनकी मतलब तुम देख लो हर लिहाज से, इसको देख लो स्टाइल, मतलब यार क्या क्या यार मतलब क्या क्या किस किस्म की बाइक आती है। और तुमने एक बात नोट की होगी, मतलब जो भी बाइक है एक से बढ़कर एक, यानी मतलब इसमें ऐसे टक्कर देने वाला है ना, सिर्फ एक यामाहा वाली बाइक को निकाल दो, हाँ उसको निकाल दो क्योंकि वो बहुत महंगी है। बाकी मुझे सबके रेट फेयर लगे, अच्छे और काफी सस्ते थे क्रूजर्स यार इंडिया में, मतलब जो आ रहे थे 95,000 110,000 120,000, मतलब ये सस्ते बहुत सस्ते आ रहे बहुत सस्ते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने लगे हैं। आप इसके अलावा भी मतलब काफी सारी ऐसी बाइक्स आ रही हैं जो मतलब आपको पसंद, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है, बिल्कुल आपको लाजमी आएंगी। तो यार हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आप किसका वेट ज्यादा कर रहे हैं। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।